हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल द फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं हूं आपकी दोस्त राधि। सो इस वीडियो में हम बेसिकली मैजिक देखने वाले हैं, बिकॉज हम बहुत एक ब्यूटीफुल प्राइस सेक्शन यहां पर समझेंगे, जो ट्रैपिंग कंसेप्ट है वो समझेंगे, और प्लस में जो फ्राइडे को हमें एक ट्रेंड ट्रेडिंग, यानी अगर एक वन साइड का मूव आता है उसको कैप्चर किस तरीके से करना है, जो पहले भी एडवाइस किया गया है बहुत बार वीडियोज में मैंने बताया है, और जब फ्राइडे को हो रहा था मार्केट में तब लाइव भी बताया था कि हम किस तरीके से इस फॉल को कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो हम वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्लस में वीकली एनालिसिस है, तो एक बार मार्केट को देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट इस टाइम पे किस तरीके से इस टाइम पर रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। सो पहले हम इस बॉलिंजर बैंड को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर जाकर हम देखते हैं जो ये बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पर बना था हेड एंड शोल्डर का, इसके ब्रेकआउट के बाद हमें मार्केट जो है उसका अपसाइड का मोमेंटम हमें यहाँ पर दिखाई दिया। नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस था वो ये वाला लेवल था। ठीक है, और इस रेसिस्टेंस के लेवल से मार्केट ऑलमोस्ट उसे बिल्कुल टच करके, यानी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्ट मार्केट यहीं से टर्न किया है। अभी क्या है, क्योंकि ये जो लेवल थे ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नेकलाइन थी, और प्राइस हमेशा किस तरीके से चलता है अगर आपको पता है तो प्राइस हमेशा इस तरीके से चलता है, एक फॉल फिर अपसाइड मूव फिर फॉल फिर करेक्शन फिर अपसाइड मूव करेक्शन अपसाइड मूव। अभी अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसी तरीके का मोमेंटम है। ठीक है, और कभी भी मार्केट को अगर ज्यादा सा मार्केट, फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर एक रन में चल रहा है, मार्केट अगर अपसाइड की रन में चल रहा है और जरा सा भी मार्केट ने अगर डाउन साइड का मोमेंटम दिखा दिया, ठीक है, ब्रेक करते हुए दिखा दिया, तो दैट डजंट मीन कि हम पूरा ट्रेंड चेंज कर देंगे जब तक हमें कुछ अच्छा साइन ना मिले। कोई भी ट्रेंड ट्रेडिंग का अच्छा साइन होता है जब ट्रैपिंग होती है, ठीक है, या फिर मार्केट जो है वो अपने किसी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को या फिर अपने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जब ये वाला रेसिस्टेंस नेकलाइन ब्रेक हुई थी तब अपसाइड का मूव था, जब यहां से दोबारा से ये प्राइस इस तरीके से टर्न करा था वो अपसाइड का व्यू था, अब दोबारा से प्राइस अपने रेसिस्टेंस के पास आके रुका हुआ है। जैसे यहाँ पर प्राइस एक बार इसके पास आके रेसिस्टेंस के पास रुका था लेकिन दोबारा टर्न कर गया था, अभी दोबारा एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के पास प्राइस आके रुका है। सो जब तक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट डाउन साइड में ब्रेक नहीं होता हमारा जो व्यू है वो बुलिश ही रहेगा, लेकिन साथ साथ करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी क्योंकि मार्केट चलता ही उस वे से है, उसका नेचर ही वही है। ओके, सो अब यहाँ पर एक एक छोटा जो अभी शॉर्ट है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें दिखाई दी फ्राइडे को, अगर आप यहाँ पर जाके बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बैंक निफ्टी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास था, उसने उसको टच नहीं किया, लेकिन अगर आप बोलिंजर बैंड पर देखते हो तो एक करेक्शन कैंडल बैंक निफ्टी में काफी अच्छी बनी है। ठीक है, और काफी हम इस वाले लेवल तक ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, ये जो लेवल आप देख रहे हो बोलिंजर बैंड का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। सो 42,320 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और नियरली मार्केट यहाँ पर है भी। अब इसके पास अगर मार्केट यहाँ तक आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन यहीं से टर्न करते हुए हमें बैंक निफ्टी में एक जो ऊपर के साइड का मूव है वो कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अगर ये वाला लेवल डाउन साइड में ब्रेक होता है और ये जितने भी लेवल्स थे जहाँ से प्राइस दोबारा से करेक्ट होकर चला था, ये सारे लेवल्स डाउन साइड में ब्रेक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 42,000 अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो फिर हमें एक डाउन साइड का जो मूव है वो दिख सकता है। लेकिन एक करेक्शन इस तरीके से एक्सपेक्टेड भी थी क्योंकि हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि इंडिया फिक्स बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है, और इंडिया फिक्स एक फियर इंडेक्स है, यानी इंडिया फिक्स को बढ़ने के लिए मार्केट को नीचे गिरना पड़ता है। तो अब इंडिया फिक्स अब जो जो बिल्कुल मुश्किल 10 पर चला गया था वो थोड़ा सा इस करेक्शन के बाद थोड़ा करेक्ट होते हुए हमें दिखाई दिया है। 4% का यहाँ पे जो थोड़ा राइस है, अभी अगर आप देखो तो 12.2 पर हम पहुंच गए हैं, 10 से थोड़ा बहुत बड़ा है। तो ये जो करेक्शन का फेज होता है ये इंडिया विक्स के साथ आता है, इंडिया विक्स बढ़ता है करेक्शन होता है, फिर जैसे जैसे इंडिया विक्स अपने बैक साइड आने लगता है वापस 18, 17, 16 थोड़ा कम होता है इंडिया विक्स तो मार्केट बढ़ता है। जब इस वाले फेज में मार्केट बढ़ा था तो इंडिया विक्स बहुत ज्यादा गिर चुका था, यानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, उसके बाद इंडिया विक्स ने गिरना शुरू करा जब मार्केट ने बढ़ना शुरू करा, ये दोनों ही बहुत ज्यादा ऑपोजिट रिलेशन में है। ओके, अब ये था कंप्लीट यहाँ पे मार्केट इस टाइम पर क्या फेस कर रही है। जब तक कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं टूटेगा शॉर्ट करने का या फिर बियरिश व्यू बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रैपिंग होती है तो व्यू चेंज करने का कोई फायदा है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कि जिस दिन लास्ट फ्राइडे को हमें किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला और यहाँ पर ट्रैपिंग का किस तरीके से पता चलता है। मार्केट ने मेनली जो अपना फॉल है वो इस वाले लेवल से इस वाले दिन से देना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा रैली भी इसके अपसाइड में हमें काफी टाइम बहुत ज्यादा मिली। अगर आप देखोगे 3 बजे के आसपास, 2 बजे के बाद की जो ये रैली थी यहाँ पर हमें काफी अच्छी मिली, बिकॉज जो ये
सेलर्स थे जिन्होंने मार्केट को यहाँ पर रोका था, उन्होंने यहाँ पर भी ट्राई किया, लेकिन ऑब्वियसली बायर्स मार्केट को ले गए इस कैंडल के साथ। अगर आप देखोगे बड़ी कैंडल जो यहाँ पर फॉर्म हो रही है, और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूव दिया। अब प्लान ये था, एनालिसिस ये था कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस बनी हुई है, बट अगर मार्केट ने नेक्स्ट डे की जो क्लोजिंग है यानी इसके ऊपर मार्केट ने जो दोबारा से अपना जो एक राइज है वो अपना कंटिन्यू नहीं किया, तो मार्केट में एक बियरिशनेस का साइन बन जाएगा। बिकॉज ये जो लेवल है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो ये जो लेवल था इस वाले लेवल पर पूरा दिन जो मार्केट यहाँ पे रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो मार्केट ने ट्राई किया, उसके बाद जो यहाँ पर जो ये नए बायर्स आए हैं इनको यहाँ पर सस्टेन करने के लिए और कॉन्टिन्यूटी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर जब मार्केट ने ओपनिंग दी और इस वाले लेवल को मार्केट नहीं निकाल पाया तो यहीं से एक ज्यादा फॉल हमें आते हुए दिखाई दिया। अब ये वाली चीज़ एक बार मैटर भी करती है, अगर आप जाके ईओडी या टेलीग्राम पर देखोगे तो यहाँ पर ईओडी में जो मैसेज मैंने यहाँ पर भेजा था वो मैंने सेम पब्लिक पे भी डाल दिया था कि अगर लास्ट डे वन साइडेड बुलिश मोमेंटम देखे गया है और नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हायर चांसेस होते हैं कि मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को या प्रीवियस डे क्लोजिंग को टच करेगा, और कंडीशन यही है कि बुलिश ट्रेंड में होना चाहिए। सो अब यही चीज हम जाके चार्ट पे समझते हैं कि लास्ट डे अगर मार्केट अपना एक वन साइडेड मूव देखे गया है इन बुलिश ट्रेंड और नेक्स्ट डे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट ट्राई करता है, जनरली प्राइस ट्राई करता है अपने प्रीवियस डे हाई या अपने प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है वहां तक जाने की। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट अपने यहाँ पे रेसिस्टेंस, थोड़ा नियर रेसिस्टेंस प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसके पास से मार्केट ने टर्न किया। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर जाके देखोगे तो आपको और ब्यूटीफुली समझ आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट टच करके आया, प्रीवियस डे एक वन साइडेड मूव में था, नेक्स्ट डे हमारा ये यहाँ पर क्लोजिंग का साइन हो गया, ये हमारे यहाँ पर लो हो गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखते हो मार्केट ने तो कहाँ से हमें प्राइस एक्शन दिखाया, ऑलमोस्ट इसी के पास से प्राइस जो है वो कंप्लीट टर्न किया है और यहाँ से हमें डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो अभी आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, अगर प्रीवियस डे बायर्स थे और नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन हो जाता है तो क्या होता है ना कि जो बायर्स होता है अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो बायर्स के पास एक और सिचुएशन आ जाती है लो पर बाय करने की। अगर अप ट्रेंड में हो और दोबारा से प्राइस सपोर्ट पर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं ना। सो वही सेम चीज यहां पर हुई कि अगर प्रीवियस डे अप ट्रेंड में है, नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद एक अच्छे सपोर्ट पर आपको प्राइस मिल रहा है तो वहां से बाइंग आती है, और बाइंग जो है वो मेनली अपने प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोजिंग या प्रीवियस डे के कोई भी एक पास के स्विंग तक जाती है। इसीलिए इस बाइंग को आने से पहले मैंने ये वाला मैसेज किया था, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है जो रिपीटेडली होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, आगे कभी होगा तो आप इस चीज को याद रखोगे। ये जो लेकिन ये जो बायर्स थे, ये जो यहाँ पर बायर्स थे और ये बायर जो वापस प्राइस नहीं निकाल पाया और यहीं से प्राइस जो टर्न कर गया वो इधर ट्रैप हुए हैं, और उसकी वजह से इतना अच्छा काफी डाउन का फॉल हमें देखने को मिला है। अब कभी भी इस टाइप का फॉल आता है तो हम इमिडिएटली फोमो में एंटर कर देते हैं कि ठीक है जो प्राइस है वो एकदम से गिर रहा है, तो आप किसी भी कैंडल पर एंट्री करोगे, उस कैंडल पर किसी भी कैंडल पर इस तरीके से एंट्री ना हो। इसीलिए यहां पर मैंने पब्लिक ग्रुप में यहां पे मैसेज किया था कि हम सिर्फ फॉल को कंटिन्यूएशन सिर्फ पोज पर पकड़ेंगे, और हमारा पोज इनसाइड कैंडल या ऑपोजिट कलर कैंडल है। अब ये मैसेज लेवल 11 पे हुआ था, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां से ऐसा फॉल शुरू हुआ, उसके बाद आप देखोगे इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल के बाद यहां से डायरेक्ट फॉल है, ठीक है। अब यहां पर जितने बार भी देखोगे इनसाइड कैंडल या ऑपोजिट कलर कैंडल के साथ फॉल है, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो फॉल आया, इनसाइड कैंडल मिली, उसके बाद डायरेक्ट एक ही कैंडल में बहुत अच्छा फॉल था। अब एक ट्रेड जो आपको लेकर और अपडेट हुआ था कि यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है कि कौन रिस्क लेगा, ये इनसाइड कैंडल के नहीं था, ये था कि डे हाई का जो डे लो था उसका ब्रेकआउट हुआ है, हम अप ट्रेंड में हैं और यहां पर डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। अगर कभी भी डे जो हमारा लो है उसका एकदम से ऐसे गिरते हुए कैंडल्स में ब्रेकआउट होता है, नीचे डोजी कैंडल मिल जाती है, तो मार्केट एक या दो कैंडल का, ग्रीन कैंडल का, एक या दो कैंडल की एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आती है ट्रैपिंग की। और यहाँ पे मैंने बोला था कि ऐसे केस में मेनली जब इतना शार्प फॉल डाउन साइड में आ रहा तो मेनली डोजी कम वर्क करती है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर गेम चेंज कर सकता है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी का अगर आप जाके देखोगे तो बैंक निफ्टी ने उसी टाइम पे बुलिश एनगल्फिंग दी और फिर कॉन्टिन्यूएशन दिया, जिसकी वजह से निफ्टी में हमें काफी अच्छा एक बुल रन अपसाइड में देखने को मिला, ठीक है। और निफ्टी का ही चार्ट मैंने इसलिए अपडेट किया क्योंकि निफ्टी में ट्रैपिंग थी, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में जाके देखोगे तो बैंक निफ्टी में ट्रैपिंग नहीं थी, क्योंकि कैंडल ने, ये वाला जो विक था उसने अपना डे लो क्रॉस नहीं किया था, लेकिन डे लो पर बुलिश एनगल्फिंग थी, लेकिन निफ्टी ने अपना डे लो क्रॉस कर दिया था, इनसाइड कैंडल के बेसिस पर एंट्री भी दी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैप भी हुए हैं जिन्होंने ये सेटअप फॉलो किया होगा, ब्रेकआउट प्लस इनसाइड कैंडल प्लस कॉन्टिन्यूएशन उसका इधर तो ऐसे लाया होगा, लेकिन जिन्होंने ट्रैपिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो किया, और ट्रैपिंग हमने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि मार्केट एक अच्छा फॉल दे चुका है, प्लस मार्केट एक इंपॉर्टेंट
सपोर्ट पर है, तो यहां से मार्केट एक रिवर्स कर सकता है, प्लस में बैंक निफ्टी बुलिश एंगल्फिंग दे रहा है, तो यानी हम एक अपसाइड का मूव यहां पर देख सकते हैं। तो जैसे ही ये वाला जो कैंडल है वो क्रॉस करता है और काफी अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड मिला। अगर आप यार देखोगे 1895 टू 18155 यानी 56, इस तरीके से एक अच्छा मूव यहाँ पर कैप्चर हुआ और वो मूव एकदम से कैप्चर हुआ, इसलिए यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया था। एक मिनट का ट्रेड था बिल्कुल ये, इसमें कुछ भी ज्यादा टाइम तक मैंने वेट भी नहीं किया। इसमें यहाँ पर ये चीजें शेयर भी हुई है कि किस तरीके से ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट था। अगर आप देखोगे तो मिनिमम स्टॉप हमारा सिर्फ 16 पॉइंट्स का ऑन द स्पॉट, और अगर आप एटीएम में प्ले कर रहे हो और उसके बाद एटीएम का जो 50% डेल्टा हम लेते हैं, तो इसका आधा यानी सिर्फ 8 पॉइंट्स का हमारा एसएल था यहाँ पर, और काफी अच्छा टारगेट हमें मिला है, ऑलमोस्ट 1:3 यहाँ पर अचीव हुआ था। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ट्रेड ये बना। आई होप कि आपको इसकी साइकोलॉजी समझ आई होगी। कभी भी इस तरीके से लगातार, हमेशा याद रखना, अगर कभी भी इस तरीके से कैंडल बन रही है फॉल में, 1, 2, 3 कैंडल इस तरीके से बन रही है, सो आप कभी भी इन गिरती हुई कैंडल में फोमो में एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि जो प्रीमियम्स होते हैं वो एकदम से शूट अप होते हैं। जैसे ये कैंडल बनेगी प्रीमियम्स एकदम से शूट अप होगा, फिर आप फोमो में जब एंट्री करते हो और जरा से वीक अगर कैंडल ने बना दी तो आपका 50% कैपिटल का लॉस मार्केट दिखाएगा। इसीलिए हम एक पोज पर एंट्री करते हैं और वो पोज का नाम यहाँ पर इनसाइड कैंडल या ऑपोजिट कलर कैंडल है। सो यहाँ पर जिन्होंने कैप्चर किया उनको अच्छा राइस मिला होगा। इस वाले इनसाइड कैंडल का तो कॉन्टिन्यूएशन ही नहीं मिला, मार्केट अपसाइड चला गया, फिर यहां से कॉन्टिन्यूएशन मिला और इस कॉन्टिन्यूएशन में भी ऑलमोस्ट 1:1 आया है। अगर किसी ने यहां से इसको डाउनसाइड में कैप्चर किया, इस वाले ट्रेड को भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म होते हुए दिखा हमें यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि कल के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर अगर मार्केट जो है अपने इसी वाले रेंज में ओपन होता है, ये हम जो लाइन है यहाँ पर डाल देते हैं क्योंकि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है इस टाइम पे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, इसके नीचे हम और बियरिश है, सिंपल है, अपना एन पैटर्न बनेगा तो हम डाउन साइड का ट्रेड जो है वो फॉलो करेंगे। अब अगर आप इस ट्रेड को, अगर ये जो चार्ट पैटर्न है अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक समझ में आएगा। लेट्स गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। आपको ये रफ डब एम पैटर्न की तरह लगेगा, ये बहुत ज्यादा रफ एम पैटर्न है। लेट मी शो यू दिस, दिस इज रफ एम पैटर्न एंड दिस इज दैट एम पैटर्न जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। एक होता है सिंपल एम पैटर्न, एक होता है इस तरीके से एम पैटर्न। ये होता है ट्रैपिंग वाला एम पैटर्न जिसमें बायर्स फंस जाते हैं और उसके बाद इसका मूव काफी अच्छा आता है यहाँ तक। इसके अगर डाउन साइड इसे कंटिन्यू करना है तो दोबारा से इस तरीके से करके इसे निकलना पड़ता है। तो अगर प्राइस को इसके नीचे कंटिन्यू करना है तो इसके नीचे हमें इस तरीके से एक फॉर्मेशन चाहिए। हम डायरेक्ट फॉल को पकड़ सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर तो बायर्स ट्रैप हो गए हैं। अब बायर्स ट्रैप हुआ है तो एक दो दिन का मूव जो है हमें डाउन साइड के लिए मिल सकता है काफी अच्छे तरीके से। इसमें इंडिया विक्स भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इस वाले फेज में, हम ये एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि अगर ये सपोर्ट निकले तो, अगर सपोर्ट मेंटेन करता है प्राइस और सपोर्ट ब्रेक नहीं करता और बायर्स इस सपोर्ट पर पावरफुल रहते हैं, हैंडल कर पाते हैं इस चीज को, तो मार्केट दोबारा से प्राइस यहीं से टर्न करते हुए हम अपसाइड दिख जाएगा, ठीक है। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप जाके इसका जो स्ट्रक्चर है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक्चुअल में जो एम पैटर्न है, जो हम निफ्टी में बात कर रहे थे, क्योंकि बैंक निफ्टी भागता भी बहुत तेज है, निफ्टी जितना फॉर्मेशन जो बनाता नहीं जितना बैंक निफ्टी में बन जाता है, और जो चीज अभी मैंने आपको निफ्टी में समझाई कि हम इस तरीके से देख सकते हैं वो बैंक निफ्टी में हो चुकी है फ्राइडे को। अगर आप ये पैटर्न देखोगे तो दिस इज काइंड ऑफ एम पैटर्न जो कि यहाँ पर बायर्स ट्रैपिंग पैटर्न था, इसलिए एकदम से फॉल यहाँ पर दिखाई दिया, ये ब्रेक भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे लिए सपोर्ट है ये वाले लेवल, सबसे पहले दिस लेवल और उसके बाद आता है हमारा ये लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर आते हुए उसके बाद हमें प्राइस यहाँ से टर्न करते हुए दिख सकता है। अब मंडे के लिए क्या बात है, मंडे के लिए ये कि अगर प्राइस यहीं पर कहीं पर ओपन होता है तो हमें वापस से एक फॉल दिखेगा क्योंकि यहाँ पर सारे सेलर्स हैं। अगर डाउन साइड में ओपन होता है और ओपन होकर गैप डाउन नीचे ही जाने लगता है, अगर गैप यहाँ पर डाउन साइड में ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे जाने लगता है, तो ये काफी अच्छा फॉल हो चुका होगा। फिर यहाँ पे जो भी हमें डोजी कैंडल मिले या कुछ भी मिले विद बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड पर, तो हम यहाँ से उसको वापस से बाय कर सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे भी गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे साथ में अगर हमें कोई बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट डे के प्लान्स है, हम इस तरीके से में अगर आप चार्ट पैटर्न यहाँ पे 15 मिनट में आके देखते हो तो अब आपको यहाँ पर एक रफ हेड एंड शोल्डर फॉर्म होते हुए दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज शोल्डर, दिस इज हेड
एंड दिस इज शोल्डर, और उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये सारे लेवल सारे स्विंग्स हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर एक गैप भी बना हुआ है, गैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। यहाँ से प्राइस टर्न करते हुए हमें दिख सकता है। नाउ अब व्यू थोड़ा नेक्स्ट वीक के लिए बदल गया है क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है, तो व्यू जब भी प्राइस सपोर्ट पर आएगा हम बाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटी के लिए बाय करेंगे। और जैसे इनसाइड कैंडल के साथ हमें डाउन साइड में अगर कोई मूव मिलता है कैप्चर करने के लिए तो हम वो कैप्चर करेंगे। सेटअप हमारा सेम ही रहेगा इनसाइड कैंडल के बेसिस वाला, ठीक है। और व्यू अब हमारा क्लियर हो गया मार्केट को देखकर। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ईओडी ज्वाइन करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ चीजें यहाँ पर शेयर भी की हुई है, काफी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। इफ यू वॉन्ट टू एड सम मोर नॉलेज, और अगर आपको देखना है कि किस तरीके से मार्केट में एग्जीक्यूशन होता है लाइव और किस तरीके से एंड ऑफ द डे एनालिसिस होता है, बहुत सारी चीजें वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो पब्लिक चैनल पर आप जैसे जाके ज्वाइन करोगे तो इधर मेरी ऑलरेडी आईडी पिन है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम हेयर। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैव योर फाइनेंशियल लिटरेसी।